पूरे छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव जोरों पर है। हर पार्टी अपना प्रचार प्रसार में लगी है और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में पामगढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी संतोष लहरे के चुनाव प्रचार के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पामगढ़ से राहौद होकर रोड शो करते हुए शिविर नारायण पहुंचे। उन्होंने महंत कॉलेज परिसर में जनसभा का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। वहीं हजारों लोगों का जनसैलाब संतोष लहरे के पक्ष में समर्थन करते हुए नजर आए और पामगढ़ विधानसभा में भाजपा को जिताकर पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की बात कही। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार जरूर बनेगी, भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इलाज स्वयं महादेव जी करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो असम से आए थे, उन्होंने पामगढ़ से रोड शो करते हुए सूर्यांत तक आए और जो रास्ते में लोगों का जुनून देखने को मिला, जगह जगह फूल से उनका स्वागत कर रहे थे, कतारबद्ध होकर के पामगढ़ में, इधर रहौद में, धरदेई में, किलोसी में, इधर सीरन में सभा हुई, तो लोगों ने जिस जयकारा के साथ में, विजय घोष के साथ में लोगों का हुजूम देखने को मिला, वो लोगों में उत्साह देखने को मिला, तो इससे निश्चित रूप से, और यहाँ पर उन्होंने जो वो पूरा भाषण यहाँ पर दिए हैं, तो उससे निश्चित रूप से माहौल पामगढ़ का बदला है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा आज माहौल और तैयार हुआ है। वैसे भी माहौल पहले से था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आज उसे और इजाफा हुआ है। करीब करीब मेरा भी एक राउंड होने वाला है, कुछ गांव ही बच गए हैं, दो या तीन दिन के अंदर पूरा मैं, और जब मैं गांव में जा रहा हूँ तो औरों की तरह मैं एक दिन में 10 या 15 गाँव नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों का शेड्यूल देखता हूँ, 1 घंटा आधे घंटे होता है, जबकि मैं एक गाँव में घुसता हूँ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बिता कर आ रहा हूँ, एक एक घर में जा रहा हूँ, लोगों से जो उत्साह मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है लोगों का, उससे स्पष्ट होता है हम लोग इस सीट को जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी से बेहतर हमारा मैनिफेस्टो है, हम स्थायित्व में विश्वास रखते हैं, जो माताओं को जो 12,000 रुपये देने की बात साल में किए हैं, उनको एक बार मिलना शुरू हो गया तो मिलते रहेंगे, उसमें कम इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। उसी तरह से हम लोगों ने जब 21 क्विंटल धान लेने की बात किया है तो हम वहाँ पर 1,200 रुपये अतिरिक्त हम उनसे कांग्रेस के जो समाए उससे हम लोग अतिरिक्त देने की बात कही है। अगर वो 20 क्विंटल धान लेते हैं और 100 रुपये 31 रुपये देता है तो 2,000 रुपये ही उनका बनता है, जबकि हम 1 क्विंटल अधिक लेते हैं तो 3,100 रुपये बनता है, कुल मिला के 1,100 का फर्क कहीं पर है, लोगों की समझने की बात है। उसी तरह से कर्जा की माफ़ी की बात है तो आपने कांग्रेस की कर्ज माफ़ी तो देखी है, आधे अधूरे कर्ज माफ़ी होती है, जबकि हम लोगों ने कहा है कि पिछले 2 साल का बकाया बोनस देंगे, तो अगर 2 साल का 600 रुपये 1 क्विंटल का होता है और अगर एक एक हिसाब से देखें तो 9,000 रुपये होता है, तो 9,000 रुपये तो वहीं पर हम लोग, और एक एकड़ का कर्ज माफ़ी कितना होता है, लगभग उतना ही है, तो हम लोग दूसरे तरीके से उससे बेहतर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से सरकार बनेगी, जगह जगह सरकार के प्रति जो असंतोष है ना, उसका फायदा हमको मिलेगा। मेरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार भारी बहुमत से जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, डबल इंजन सरकार यहाँ बनेगा।